अभी से सदके फित्र अदा करो, अभी से सदके फित्र अदा करो। सदके फित्र मामूली बात नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सदके फित्र बहुत अहम चीज है। सदके फित्र बहुत अहम चीज है। रमजानुल मुबारक के महीने का सदका है। उलमा फरमाते हैं रमजान में छोटी बड़ी इबादतों में जो कमी पेशी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए जो सदका अदा करते हैं उसे कहते हैं सदके फित्र। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजेदार पर सदके फित्र वाजिब है। क्यों? इसलिए कि उनके रोजे में जो गैर जरूरी काम नहीं करना था वो हो गए। ये सदके से अल्लाह ताला वो छोटे मोटे गलत कामों को माफ कर देता है। एक जगह पर आका ने फरमाया कितनी बड़ी बात है। देखो हजरत जरीर की रिवायत है काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरु रमजान मुअल्लकुम बैन समाई वल अर्द। रमजान का महीना जमीन और आसमान के बीच में अटका हुआ रहता है, लटका हुआ रहता है। शहरु रमजान मुअल्लकुम बैन समाई वल अर्द, अटका हुआ रहता है, लटका हुआ रहता है। कहाँ? रमजान का महीना आसमानों जमीन के बीच में। ला युरफ़ाउ इल्ला बिज़कातिल फित्र, वो ऊपर उस वक्त तक नहीं जाता जब तक के मुसलमान सदके फित्र अदा नहीं करता। और एक रिवायत है दार कुतनी की अन इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, उमर के बेटे अब्दुल्ला फरमाते हैं खाल फरमाते हैं फराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी ने मुकर्रर कर दिया, वाजिब कर दिया ज़कातल फित्री, सदके फित्र को। वकाल और आका ने फरमाया बड़ा अच्छा जुमला अग्नूहुम फी हाज़ल यौम, ईद के दिन गरीबों को अमीर बनाओ, उनके घर में भी ईद हो जाए, उनके घर में भी पलाव बने, उनके घर में भी बिरयानी बने, जामुन बने, मीठे बने। क्योंकि बड़ों को सब्र ज़रूर आता है लेकिन बच्चे, इसीलिए फुकहा ने फरमाया रमज़ान के शुरू दिनों में सदके फित्र अदा कर देना। आज के दौर में रमज़ान के ईद के दिन सदके फित्र अदा करने से ज़्यादा सवाब है। सबा ईद का तो आज फ़ोन करता हजरत सदके फित्र कब देना, सो मरगे के बाद। सबा ईद का तो अब से तैयारी कर डालो ताकि तुम्हें सबा ईद का तो आज सदके फित्र के पैसे दे तो गरीब इंतजाम कब करेगा, कैसे करेगा? गरीब इंतजाम कब करेगा, कैसे करेगा? गरीब इंतजाम कब करेगा,
कैसे करेगा। और ज्यादा से ज्यादा सदका फितर दो, करोड़पति रहा तो भी घूम कुछ पकड़ लगो है, करोड़पति रहा तो भी किसे पकड़ लगो है, घूम कुछ पकड़ लगो है। इस साल कितना हजरत सदका फितर, इतना तो पक्की बात है, गए साल से ये साल 5% तो कीमत बढ़ी रहेंगी। अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा, इतना बोल को मेरा रोजा लग गया नहीं, तुम ना देखो मंजे लग रहा है। गए साल से इस साल 5% तो महंगाई बढ़ी रहेंगी। गए साल सदका फितर 80 रुपये का, तो इस साल कितना रहेंगी 80 पर 5, आइंदा साल 90। दुआ करो कि आइंदा साल 50 हो जाए, हुकूमत बदली तो इंशाल्लाह उतरेंगे। इनू उतरे तो रेट उतरता, इनू चढ़े तो रेट चढ़ता, समझ में आई बात है। चार चीजों का जिक्र हदीस में आता है सदके फितर में, गंदुम, गेहूं, जौ, खजूर, किशमिश। किशमिश का तो मुनक्खा। अब ये आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, बोलते जाओ। कोई दुकान के साहब बैठे रहे तो वो आराम से बोल सकते हैं, 1 किलो गेहूँ कितना? अरे बोलो भाई, नहीं मालूम, 1 किलो गेहूं कितना? 40 रुपये। 1 किलो जौ कितना? आपको मालूम होगा सर, आपके इलाके में जौ की रोटी ज्यादा चलती है, 50-60 रुपये। 1 किलो खजूर, वो खजूर नहीं जो हमारा दोस्त है, दोस्त आपको भी आजकल खजूर बोलते हैं, 700-800। 1 किलो अच्छा खजूर, कैलकुलेटर लाओ, अच्छा खजूर, वो भी मक्के को जाकर लाते नहीं, 20 रियाल बोले तो तकरीबन 460 रुपये, 500 रुपये रखो। किशमिश मुनक्का 1 किलो कितना? 650। किशमिश, खजूर, जौ, ये तीन भी अगर देना है सदके फितर में 3.5 किलो 3.5 किलो देना। कितने किलो? 3.5 किलो 3.5 किलो देना। 400-500 रुपये तो रखो, 500 को 1 किलो 500 का तो 3.5 किलो का कितना हुआ? 1,750 रुपये। अल्लाह दिया तो एक सदके फितर 1 किलो 750 रुपये निकालो ना, 1 किलो 3.5 किलो के 1,750 रुपये। घर के अंदर कितने लोग आई, कितने ही, चार ही, पांच का होती उतनी हिम्मत है एक्स्ट्रा देने की, हमें दो हमारे दो, 4,7,000 रुपये। अल्लाह के नबी के फरमान का सही तर्जुमा होगा नहीं होगा? अग्नियूहुम हादल यौम, आज के दिन गरीबों को अमीर बनाओ। अगर हमारे ही खानदान में, भाई बहनों में, चचेरे मौलेरे, खलेरे फुपेरे, मामाए चाचाए, अगर कोई साहिब ज़कात हो, लेने के ताकत रखते हो, उनके घर में सदके फितर के नाम पर 7,000 रुपये अगर चले गए, तो मेरे दोस्तों उनकी ईद हमारे घर की ईद की तरह बनेंगे कि नहीं बनेगी? हाँ, उनकी बिरयानी में भी छोटे का गोश्त रंगा कि नहीं रंगा, जामुना में खवा ज्यादा रंगा कि नहीं रंगा,
जबरदस्त ईद बनेगी कि नहीं बनेगी, जा जा को पकड़ लो कोई सो क्या घूंट। रसम में बेटी के होने वाले जवाई को सलामी देना का तो अच्छी से अच्छी देता, दोस्त को तोहफा देना का तो अच्छी से अच्छी चीज तोहफे में देता, गिफ्ट देना का तो अच्छे से अच्छा कवर जबरदस्त देता, लेकिन जो हमारे ऊपर के वाजिबात हैं वो अदा करने के लिए जब आता है तो लो डिग्री पर आते हैं, लो डिग्री पर आते हैं, लो डिग्री पर आते हैं। नहीं, कम से कम 100 रुपये तय कर ले को, उससे ज़्यादा देने की कोशिश करो। करेंगे इंशाल्लाह, कौन कौन करेंगे हाथ उठाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह।